हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुड़गांव जिला का गांव है खेंटावास ग्राम पंचायत है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो पहले चरण के चुनाव थे झज्जर जिले के तमाम गांव पंचायतों में हम गए, उनके सरपंच उम्मीदवारों से रूबरू कराया कि किस तरह से अब की बार उम्मीदवार हूँ मैदान में हैं। लगातार महिलाएं हैं, ज़्यादातर वो अब की बार उम्मीदवार हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो करेंगे उनसे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ खेंटावास ग्राम पंचायत से प्रतिनिधित्व करेंगे सीमा देवी का, जो इस चुनाव में उम्मीदवार हैं। हेडपंप का निशान है उनका 4 नंबर पर और तमाम जो चुनाव है कवरेज लगातार हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि हर गांव की समस्याएं अलग अलग हैं, इस गांव की समस्याएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो उम्मीदवार का जो क्वालिफिकेशन मैं कहूँ पढ़ाई लिखाई वो भी आप तक हम बताएंगे और गाँव के जो तमाम मुद्दे और जो सवाल हैं वो उनसे हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों जी, मेरा नाम नवीन कुमार है जी। मैं गांव की सभी समस्या को हल करने के लिए अपनी पत्नी सीमा कुमारी को सरपंच पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है जी, जिसमें सभी गाँव वासियों का सहयोग के लिए मैं अपील करता हूं जी। और गांव में काफी समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्या है जी, पानी की समस्या है जी, क्योंकि नालियों में गंदा पानी जी मिक्स होकर आता है जी, जिससे काफी बीमारियां फैलती है जी। और भी गाँव में पार्क नहीं है जी, गाँव में खेल कूद के लिए स्टेडियम नहीं है जी, भी सभी कार्य करने की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है नवीन? आप युवा हैं और युवाओं को मालूम होता है कि गांव में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जैसे प्रचलन हो गया कि गांव में लाइब्रेरी हो या सरकारी स्कूल है जो सरकार लगातार उन पे भी गाज घेरती जा रही है, आप क्या मानते हैं? देखो अभी सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों की संख्या बहुत कम है जी, तो कोशिश की जाए कि सरकार से अपील की जाए कि भाई बच्चों को पढ़ाने की अच्छे से अच्छे शिक्षा मिले, उसके लिए स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो टीचर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे जी। कम बच्चे हैं, टीचर ध्यान कम दे पा रहे हैं जी, तो सभी को अपील करते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छे से शिक्षा के लिए व्यवस्था है गांव में जी, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं बच्चों का जी। शिक्षा की बात चली तो हम आपकी भी जो उम्मीदवार हैं उनकी भी एक बार शिक्षा के बारे में बताइए और आपने जो पढ़ाई लिखाई की उसके बारे में बताइए। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटेक कर रखी है द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से जी, और मेरी मिसिज MA BEd है जी, डबल MA हिंदी और इंग्लिश दोनों से किया हुआ है जी, तो वो वेल एजुकेटेड है जी और गांव की अच्छी से समस्या सोल्व करने के लिए सक्षम है जी, इसकी वो पूरी प्रयास करेगी प्रयत्न करेगी। एक शिक्षित युवा हैं आप, जो स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव में होनी चाहिए, चाहे डिस्पेंसरी की मैं बात करूं, PHC की बात करूं, वहाँ क्या आपको लगता है स्वास्थ्य सेवाएं के मुखिया की एक ड्यूटी भी होती है, दायित्व भी, कि वो गांव में जो हम मान के चले कि आप भी युवा है कि एक जो डिलीवरी होती है नॉर्मल सी, अगर गांव अप्रोच है शहर से भी कटा हुआ है, तो इस तरह की जो अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य सेवाएं अगर गांव में हो जाएं तो एक सुविधा बनती है लोगों के लिए। सबसे पहले तो मेडिकल सुविधा हर गांव में उपलब्ध होनी बहुत ज़रूरी है जी, ताकि उपचार अच्छे से मिल सके जी, दूर जाने में परेशानी होती है जी नहीं। और मेन एक ये कंप्यूटर सेंटर जो होते हैं सेंटर होते हैं जो जी, उसके लिए हर चीज़ के लिए अब ऑनलाइन काम हो गया है जी, तो उसके लिए गांव में एक सेंटर होना चाहिए जी, ताकि सब अपनी बुकिंग यहीं से जी। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए चाहे पेंशन की बात हो, क्योंकि ये पेंशन के हुए बुजुर्गों के छोटे मोटे कैंप हुए वो भी एक मुखिया के अंतर्गत आते हैं, अगर गांव आपको आशीर्वाद दे, और जिस तरह से गाँव में हमने भी पता किया कि आप ठीक ठाक आपका है गाँव में काम करने का लहजा भी अलग है और वोट भी हमारे हिसाब से अच्छी ही हैं, अगर गांव आपको मौका दे तो उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो बुजुर्गों को पेंशन है, लेकिन जो बैंकों में जाना पड़ता है जी, लाइन में लगना पड़ता है वहाँ पे, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि गांव में ही पेंशन दी जाए जी बुजुर्गों को, ताकि उनको परेशानी नहीं हो। कुछ बुजुर्ग होते हैं कि घर पे कोई जवान बच्चा ना हो, कि कोई व्हीकल की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ तक के लिए, कई परिवार ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते, परेशानियां बनती हैं। कुछ बुजुर्गों की ओल्ड एज होने के कारण वहाँ बैंक में जाने के लिए सक्षम भी नहीं हो पाते हैं जी, उनको बैठा के ले जाना पड़ता है फिर वापस लाना पड़ता है, इससे अच्छा कि गांव में ही पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इससे उनको अच्छे से जी मिल सके उनको पेंशन। नवीन जैसे कि है ना, चुनाव में आप भी देखते हैं कि जो प्रचलन चल गया है नशे का, मान के चले ड्रिंक वगैरह का, कि चुनाव के नज़दीक आते ही एक युवा है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जीवन शैली पे, खासकर नशे को लेकर, आपकी क्या राय है, क्या युवा को सोचना चाहिए और किस सोच पे उनको ये वोट देना चाहिए? युवा को सबसे पहले तो अपनी
पढ़ाई कंप्लीट करके अपने रोजगार का प्रयत्न करना चाहिए, नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, और नशे से और इस मदिरा पान से दूर रहना चाहिए। जहाँ लग कोशिश हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले अपने परिवार होता है, परिवार के बाद अपने बाहर समाज होता है, तो सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे अगर आप आते हैं गांव के? मेरी तो युवाओं से यही अपील है जी कि शराब का सेवन ना करे जी, और अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखे, रोजगार ढूंढे, रोज नौकरियां करे, बिजनेस करे, तो जिससे गांव का अच्छे से विकास हो सके जी। एक होती है ना गांव की वार्षिक महोत्सव लगाए या फिर कोई खेल नीति हो युवाओं के लिए, जो आपको मौका मिल जाए तो आप युवाओं के लिए खेल नीति इस तरीके से बनाए, कुछ है मन में आपके? गांव में एक तो सबसे पहले स्टेडियम का बनना बहुत जरूरी है जी, इसमें बच्चे जाते हैं, फिर वहाँ पे काफी बच्चे आए तो वहाँ पे कोच का अरेंजमेंट किया जाए ताकि उन्हें अच्छे से खेल कूद सिखा सके कि किस फील्ड में किसको जाना है जी। पहले विचार करें फिर उस फील्ड के लिए तैयार हो, तो कोच की व्यवस्था हो, स्टेडियम हो, तो जिससे युवा खेल कूद में आगे निकल सकते हैं जी। तो ये तमाम समस्याएं और मुद्दे हैं, ऐसे तो हम लंबी चर्चा हो जाएगी क्योंकि चुनावी आपका भी टाइम वेस्ट है, तो हमारे माध्यम से आप जो अपील अपने जो दूर दराज वोटर हैं, तो मैं आपके सभी ग्राम खेटावासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाली 12 तारीख को मेरी पत्नी सीमा कुमारी को हैंडपंप का निशान जिनका है उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, आपका आशीर्वाद दे अपना जी। तो खेटावास ग्राम पंचायत से सीमा कुमारी हैं उम्मीदवार, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे नवीन कुमार। आपने देखा कि दोनों ही एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और ऐसे ही अगर शिक्षित उम्मीदवार आएंगे, शिक्षित युवा आगे निकल के आएंगे, तो मैं मानता हूँ कि गांव कहीं ना कहीं के गांव के लिए शुभ संकेत हैं ये, विकास के भी, क्योंकि एक जो पढ़े लिखे युवा हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। अगर हम एक ऐसे उम्मीदवार को वोट डाल देते हैं कि उसका काम काज कोई और करे और उसकी देख रेख कोई और करे, तो डिसीजन मैं मानता हूँ कि गाँव के अक्सर गलत लिए जाते हैं और विकास का पहिया कहीं थम सा जाता है। ऐसे युवाओं को आगे लाइए जो आपका विकास कर सकें, और भी ऐसे युवाओं को आगे लेके आने की हम कोशिश करेंगे, जैसा कि अपने पिछले लगातार काफ़ी दिनों से आप देखते आ रहे हैं, और आगे भी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।